नमस्कार। आइए सबसे पहले बात कर लेता हूँ मैं कनिष्ठा की उंगली की। कनिष्ठा उंगली अच्छे ज्ञान के लिए जानी जाती है, भाषा शैली के लिए जानी जाती है। कुल मिलाकर याददाश्त भी अच्छी है, भाषा शैली भी अच्छी है, परंतु यहाँ जब थोड़ा सूर्य के कट से छोटी उंगली रह जाती है तो व्यक्ति अपनी योजनाओं को सही रूप से सही तरीके से अगर एक तरह से कहें तो जीवन के पहले पक्ष में यानी कि 45 तक कम से कम ऐसे व्यक्ति को जरूर संघर्ष करना पड़ता है, तब जाकर के वो दुनिया को समझना शुरू करता है। तो कुल मिलाकर के बौद्धिक स्थिति अच्छी है, भाषा शैली अच्छी है, परंतु जल्दबाजी में लिए हुए निर्णयों को ज़रा सावधानी से चलें, बहुत जल्दबाजी ना करें और बहुत सहेज करके सलाह लेकर के अपने जीवन को आगे बढ़ाएं, तरक्की ज़रूर मिलेगी। आइए बात करता हूँ सूर्य की उंगली की। सूर्य की उंगली जब जब बृहस्पति की उंगली से इतनी ज़्यादा लंबी हो जाती है तो व्यक्ति के जीवन का उत्तरार्ध बहुत अच्छा ऐसे व्यक्तियों का होता है, यानी कुल मिलाकर के जीवन के 45 के बाद में काफ़ी कुछ स्थितियां अनुकूल होती हुई चली जाती हैं। यश और सम्मान व्यक्ति का बना रहता है। यहाँ शनि की उंगली के साथ चुपने के कारण कुछ भी स्थिति को ना हो, माता पिता के साथ में व्यक्ति माता पिता की सेवा करता ही है, उन्हें प्यार करता ही है, बहन भाइयों से भी कोई भी मतभेद हो जाए उन्हें साथ लेकर चलता ही है। तो यहाँ कुल मिलाकर ये सूर्य की उंगली का फल है। अब बात करता हूँ यहाँ शनि की उंगली को। शनि की उंगली ऊपर से जाकर एकदम टर्न ले गई। जब इस तरह की उंगली ऊपर जाकर इतना टर्न ले जाती है, इस तरह के से मुड़ जाती है, तो ये व्यक्ति के जीवन के अंदर व्यक्ति संघर्ष के साथ खड़ा होता है। इसके जीवन में इतना आसान नहीं होता सब कुछ होना, ये कुल मिलाकर के अपने संघर्ष में लगातार लगा रहता है और सफलता प्राप्त करके ही दम लेता है, यानी संघर्ष करने की क्षमता तो है। अब बात करें यहाँ शनि की कि भाई शनि कुंडली का कैसा होगा। ठीक है, नॉर्मल रूप से बहुत अच्छा नहीं, कुल मिलाकर ठीक ठाक है। अब बात करेंगे यहाँ आपकी ये बृहस्पति की। बृहस्पति की उंगली और इतना एकदम नीचे गहरे गड्ढे में घुस जाए तो ये अच्छा इंडिकेशंस नहीं हुआ। यहाँ इतना नीचे को दब जाना बृहस्पति की उंगली का, ये कहते हैं कि भाई ईश्वर कृपा नहीं है, यानी कुल मिला के भगवान की कृपा ऐसे व्यक्तियों पर नहीं होती। इन्हें अपने जीवन के स्वयं को सिद्ध करने के लिए स्वयं ही मेहनत करनी पड़ती है और भगवान इनका कर्म से साथ देते हैं, यानी कुल मिलाकर आपकी पूजा पाठ का मजबूत होना अति आवश्यक है, वरना आपके जीवन का संघर्ष बना रहेगा। अब बात करूँगा मैं यहाँ पर आपके यहाँ बुद्ध पर्वत की, बुद्ध का पर्वत, और यहाँ खड़ी हुई रेखाओं के रूप में छोटी छोटी रेखाएं हैं। जब इस प्रकार से रेखाएं खड़ी होती हैं तो ये भाषा शैली के अंदर, बुद्धि के अंदर तीव्रता को बढ़ाती हैं, यानी कि यहाँ भाषा शैली का आप अच्छा खासा इस्तेमाल कर सकते हैं। बुद्ध पर्वत आपका बहुत अनुकूल है, साथ ही साथ संतान का सुख सहयोग भी व्यक्ति को अवश्य प्राप्त होता है। तो बुद्ध पर्वत थोड़ा उथला है, थोड़ा सा दब थुलथुला है या उठा हुआ है, तो ये सब चीज़ें आराम से नहीं, संघर्ष से मिलती है। अब बात करूँगा यहाँ पर आपके सीधा आपके सूर्य के पर्वत की। सूर्य पर्वत और सूर्य पर्वत पर यदि आप देखें तो रेखाएं ज्वाला की तरीके से यहाँ पर उठती हुई रेखाएं आपको महसूस होती हैं, यानी कि कुल मिलाकर व्यक्ति के जीवन के अंदर जब इतनी सारी रेखाएं हो जाएं, देखिए स्पष्ट रेखाओं का, सूर्य पर्वत बहुत सारी रेखाओं का नहीं, स्पष्ट रेखाओं का खड़ा होना ज़्यादा जरूरी होता है। यहाँ पर दो रेखाएं सुंदर तरीके से खड़ी हों तो ऐसा व्यक्ति जल्दी से किसी भी कार्य के अंदर सफलता प्राप्त कर लेता है, लेकिन जब इतनी सारी रेखाएं होती हैं तो सफलता तो मिलती है, यानी यश मान सम्मान तो मिलता है, लेकिन ज़्यादा संघर्ष को बढ़ाने वाली स्थिति को दिखलाता है। बहुत ज़्यादा भाग दौड़, बहुत ज़्यादा आप कह सकते हैं यात्राएं, इस तरह के इंडिकेशंस को दर्शाती है, लेकिन सफलता मिलती जरूर है। तो देर से मिलने के लिए इतना सारा गुच्छा नहीं होना चाहिए, सुंदर रेखाओं के दो ही स्वरूप अच्छे होते हैं। घर में बहुत सारे बच्चे, 100 बच्चे अच्छे नहीं, 2 बच्चे ही अच्छे होते हैं। आइए बात करता हूँ यहाँ पर एक और आपके पद की, जिसको बोलते हैं बहुत ही सुंदर तरीके से 55 साल के बाद में इतनी शानदार रेखाएं आपके हाथ के अंदर ये खड़ी हैं, यानी जीवन के अंदर आपके पास बहुत सारा धन, करोड़ों रुपए में आपके पास धन होगा 55 साल के बाद में। तो ये इस प्रकार की रेखाएं, यहाँ इतनी सारी रेखाओं का खड़ा होना अपने आप में शुभ होता है। तो ये बहुत अच्छा सुंदर रेखा यहाँ पर मिली और एक दूसरे को काट भी नहीं रही है, तो ये अच्छे फलों के रूप में है। अब मैं बात करूँगा यहाँ इसके बाद में आपके यहाँ सीधा बृहस्पति पर्व की। बृहस्पति पर्व
और बृहस्पति पर ये सब रेखा यहाँ निकल करके जा रही है, यानी कि ज्ञान के द्वारा धन। बुध पर्वत अच्छा निकला, यहाँ साथ के साथ ही निकला, आगे आने वाले समय में खड़ी हुई रेखाएँ पूजा भी बहुत करने वाले हैं, पुण्य भी बहुत करने वाले हैं, दान भी बहुत करने वाले हैं, ये अच्छी रेखाओं के स्वरूप यहाँ खड़े हैं। और अभी हाथ में कहीं हाथ की में मैंने आगे तक देखा था तो अभी यहाँ कोई मकान बनाने की रेखा नहीं बनी है, लेकिन जब इतना सुंदर पर्वत पर बृहस्पति बनता जा रहा है तो मकान तो निश्चित रूप से आप बनाएंगे, लेकिन अभी यहाँ पूरा स्पष्ट नहीं हो पा रहा कि कब बनेगा, इसलिए मैं उसको मकान वाले सवाल को नहीं बोलूँगा। तो चलिए अब मैं बात करता हूँ हृदय रेखा की। हृदय रेखा और शुरू से और आखिर तक आप देखेंगे तो एक दूसरे को इतनी सारी रेखाओं ने काट रखा है, नीचे की तरफ ऊपर की तरफ के, कुल मिलाकर के ये बहुत मुश्किल विधा है। मन में भी परेशानी, स्वयं की भी परेशानी, पत्नी भी आपसे परेशान, आप भी पत्नी से परेशान, कुल मिलाकर हृदय रेखा आप में बहुत ज़्यादा उथल पुथल, परेशानी, सब चीज़ों को दर्शाने वाली, और साथ ही साथ आप दोनों का स्वास्थ्य भी अच्छा नहीं। नीचे की तरफ जब इतने सारे एक्स बन जाएं तो ये जहाँ व्यक्ति को साम दाम दंड भेद की नीति अपनाने पर मजबूर कर देते हैं, और साथ ही साथ कुल मिलाकर के इस बात को भी मजबूर कर देते हैं कि पत्नी के साथ बहुत ज़्यादा खराब रिश्तों को दर्शाने वाली ये स्थिति यहाँ नॉर्मल रूप से ठीक नहीं है। तो दोनों ही रूप से अगर स्वास्थ्य का भी आपको विशेष रूप से ध्यान रखना होगा। अब बात करता हूँ मंगल पर्व। मंगल पर्व से यदि दूसरे चित्र में मैं देख रहा था तो इतनी सारी रेखाएं निकल करके और यहीं सब की सब आपस में कट गई, यानी कुल मिलाकर के इस क्षेत्र में आकर के बहुत आगे तक नहीं जा रही, और एक दूसरे को काट करके देखें तो इतने ब्रैकेट, इतने आपको जो त्रिभुज लगेंगे, ये ना ब्रैकेट है ना त्रिभुज है, कोई स्वतंत्र चीज़ से नहीं है, लेकिन इतने सारे संघर्ष को ये सब रेखाएं जब एक दूसरे को काटती हैं मंगल पर्वत के अंदर, तो व्यक्ति को फल आसानी से नहीं मिलता। आप यहाँ मेहनत कर रहे हैं, आप यहाँ बहुत सारी रेखा निकल कर के शनि पर्वत को भी जा रहे हैं, धन आ भी रहा है, धन जा भी रहा है, तो यहाँ इतना सारा खराब स्थिति यहाँ दिखाने वाली, लेकिन यहाँ चिंता ना करें, आपको ये ऊर्जा लगातार बनी रहेगी और बनी हुई भी है, तो ऊर्जा की कोई कमी नहीं। अब बात करूँगा द्वितीय के पर्व मंगल की। द्वितीय पर्वत मंगल पर्व, उसको पहले मैं आपकी बुद्धि रेखा के साथ बोलना चाहूँगा। यहाँ से बुद्धि रेखा चली और ये देखिए आपकी बुद्धि रेखा इस तरह लहरदार होकर के मंगल पर्वत तक जा रही है, एक जाके ऊपर दो मुखी हो गई है, एक नीचे को देखने में ऐसा लगेगा कि यहाँ मस्तिष्क रेखा से ही एक सूर्य के पर्वत को भी जा रही है। सूर्य के पर्वत के साथ बुद्धि रेखा का मिलना, सूर्य पर्वत होता है किसके कारक, सूर्य पर्वत होता है राज्य सरकार के कर्मचारियों का कारक, तो यहाँ आपकी बुद्धि रेखा इतनी मोटी होकर के दीप बनाए सूर्य पर्वत के से संबंध खराब करे, तो इसके लिए ऐसे व्यक्ति को राज्य सरकार के व्यक्तियों से उसकी सेटिंग हो ही नहीं पाएगी, क्योंकि उसकी मस्तिष्क रेखा के अंदर यहाँ सूर्य रेखा ने ही दीप बना दिया है, यानी कुल मिलाकर के आपके दिमाग में आपको पचते ही नहीं हैं वो लोग जो उच्च अधिकारी किस्म के होते हैं, आपसे हो ही नहीं सकता कि आप उनको देख करके सलूट करें, और यही आपके पचने का कारण भी है। परंतु अगर ये दीप बना रहा जीवन में तो आपको झगड़े, झंझट, मुकदमे, पत्नी तक से भी बहुत सारे झगड़ों की रेखाएं मैंने आपके हाथ के अंदर देखी हैं, तो कहीं उससे भी इतना विचार मध्यवेद ना हो जाए कि वो भी अपने घर कई कई महीने रह करके आए, या बहुत स्थिति और मैं अशुभ नहीं बोलना चाहता, तो आपको नियंत्रण करना होगा स्वयं पर, उसके लिए बताऊंगा मैं आपको पूजा पाठ। आइए बुद्धि, मैं बात करता हूँ आपके चंद्र पर्वत की। चंद्र पर्वत और यहाँ पर यदि देखते हैं तो बिल्कुल एक्स के चिन्ह के साथ मौजूद है, यानी मानसिक टेंशन को दर्शाता हुआ, कुल मिलाकर के बस ज़्यादा भागदौड़ को दर्शा रहा है, तो अभी मध्यम प्रथम का आपका चंद्र पर्वत है। आइए सवाल लेता हूँ। अभी मेरे सभी वित्त खराब हैं, कैसे, कब और कितना पैसा होगा? बिल्कुल निश्चित रूप से आपकी भाग्य रेखा को देख लेता हूँ। बहुत जा करके एक दूसरे से भाग्य रेखा कटी हुई है, यानी कुल मिलाकर मैं देखता हूँ तो जहाँ आपकी आयु इस समय 40 वर्ष है, वहाँ 40वें वर्ष के बाद और 43वें वर्ष, यानी जीवन के 43वें वर्ष तक थोड़ा सा ऊपर जाके एक राहु रेखा हल्के रूप से कटी है,
आप उसे समझ नहीं पाएंगे थोड़ा सा यहाँ से नीचे से, तो वो लगभग लगभग 43वें वर्ष तक आपको काफ़ी संघर्ष है, और उसके बाद 2024 जब आएगा 44वां वर्ष, तो वो आपको ये अनुकूल लेखाएँ राहु पर्वत पर भी खड़ी हैं, बहुत तेज़ी के साथ आपका इम्प्रूवमेंट शुरू हो जाएगा। तो राहु पर्वत का इन्वॉल्वमेंट भी सही है, साथ ही साथ एक रेखा पक्की रेखा आपकी भाग्य रेखा चल रही है, तो कोई एक ऐसा काम ऐसा है जो आपका सुचारू रूप से चलता रहता है, तो ये एक अच्छा है जो आखिर तक भी चलता रहेगा। तो भाग्य रेखा नीचे निकल कर के आई, बहुत सुंदर रूप से वो रेखा आई। तो कितना पैसा बना सकते हैं जीवन के 55 वर्ष के बाद? करोड़ों रुपये बना सकते हैं। क्या मैं विदेश में जाकर कभी पैसा बना सकता हूँ? कोई अवसर नहीं मिल रहा है। अवसर नहीं सर, जाइए भी मत और अवसर को ढूंढिए भी मत। मेरे सभी काम देरी में हो जाते हैं, मेरे सभी वरिष्ठ अधिकारियों से मेरे लिए हमेशा समस्या का कारण हुआ है। क्या उसी तरीके से चलेगा? बिल्कुल चलेगा। आपके दिमाग में अंदर आप अधिकारी को पचा ही नहीं सकते, आप उसे सलूट लगा ही नहीं सकते। तो भैया अगर किसी से काम निकालना है तो सलूट तो उसको लगाना पड़ेगा। तो ये अपने आप में यहाँ मैं रेखा बता रहा हूँ, जो सूर्य पर्वत से लाभ निकालना है निकालेंगे भी आप, लेकिन अभी आपकी बुद्धि रेखा साथ नहीं दे रही है। तो चलिए, मैं समझता हूँ कि लगभग लगभग अब से 3 साल पहले से ज़्यादा स्थिति आपकी ख़राब होनी शुरू हुई होगी। मेरा पैसा क्या होना चाहिए? कभी सरकार के साथ काम नहीं किया, सेल्फ बिजनेस बिल्कुल भी नहीं काम कर रहा है, क्या भविष्य के लिए शिक्षण? या देखिए, हाँ इसमें एक बहुत अच्छी चीज़ है, इतनी सारी रेखाएँ निकली हैं बृहस्पति से और जो गई हैं शनि पर्वत को, तो वो जब रेखाएँ निकलती हैं तो व्यक्ति अपने जीवन के अंदर टीचिंग से बहुत अच्छी, यानी कुल मिलाकर के आप शिक्षण संस्थान वाला जो काम करते हैं उससे बहुत अच्छा आप फायदा उठा पाएंगे। हालांकि बुध पर्वत और बृहस्पति ठीक था, शोध भी ऐसा व्यक्ति करता है, लेकिन जब मस्तिष्क रेखा पर इस तरह का दीप होता है तो शोध में व्यक्ति को सफलता प्राप्त नहीं होती, तो शोध को मैंने करूँगा। मेरे हिसाब से कुछ चंद्र पर्वत ठीक था, और इतनी सारी यात्रा की रेखाएं भी आपके हाथ से निकली हुई हैं शुक्र पर्वत से, और तो इस बात को यानी कपड़े का काम आप यदि करें, आप कपड़े से संबंधित कोई काम करें तो वो आपको ज़्यादा अच्छा रहेगा, उसकी ट्रेडिंग कर सकते हैं, या फिर आप शिक्षा संस्थान का कोचिंग सेंटर इस तरह का खोलते चले जाइए, उसमें लाभ मिलेगा। पारिवारिक समस्याएं, खुद का घर नहीं है, मेरा गुस्सा बड़ी समस्या। बिल्कुल, वो तो आपका गुस्सा ही है सबसे बड़ी, तो आपके दिमाग के अंदर ही वो चीज़ समाई हुई है, परिवार तो आपके साथ खड़ा है, उसमें दिक्कत आपकी तरफ से ही है। पत्नी के साथ मतभेद ज़्यादा ना बढ़ जाए, इसके लिए भी मैं आपको पहले ही दे चुका हूँ। क्या मेरा शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य ठीक होगा? यहाँ शारीरिक और मानसिक दोनों ही स्थितियाँ खराब हैं, यानी कुल मिलाकर के वहाँ ना तो बुद्धि रेखा सही दे रही है, और आइए मैं आपकी आयु रेखा को देखता हूँ। यहाँ देखिए आपकी आयु रेखा ये, और ये दूसरा यहाँ से टुकड़ा चलना शुरू हुआ, यानी कि आपके जीवन के अंदर मुझे लगता है 2023 से 24 के बीच का जो समय होगा, यानी कि लगभग लगभग आपकी उम्र के ये पहले से ऐसी स्थिति हो सकता है बदल ली हो, अपने स्थान परिवर्तन हो गया हो, और नहीं तो बस वो स्थिति 2023 तक और भी आ सकती है, और ये बड़ा स्थान परिवर्तन आपके जीवन का बड़ा मोल होगा, और इसमें आप अपने जीवन को अच्छी तरीके से चला पाएंगे। आयु रेखा आपके पास बहुत अच्छी यहाँ पर बिल्कुल निश्चित रूप से 80 साल के आसपास मौजूद है, तो आयु की मुझे कोई चिंता नहीं, मानसिक डिप्रेशन की पूरी चिंता है। शुक्र पर्वत की बात कर लेता हूँ, तो शुक्र पर्वत यहाँ अनुकूल अवस्था में है, स्थिति कैसी भी है इस बार की कृपा से आपके पास बहुत अच्छा लग्जरियस जीवन नहीं है, लेकिन संसाधन बने रहते हैं। संतान रेखाएं आपके हाथ से तो 4-4 संतान रेखाएं, बाकी ये पत्नी के हाथ से ज़्यादा अच्छी तरीके से पता चलता है। तो सारी रेखाओं को, पर्वतों को, सब चीज़ों का फल मैंने आपको बताया, आप क्या करें अपने जीवन में आप अपनी तरक्की उन्नति के लिए, तो बता देता हूँ बिल्कुल निश्चित रूप से आप रोजाना भगवान शिव की आराधना करें, सोमवार के सोमवार शिव मंदिर में जाएं, उनका अभिषेक करें, रोज कर सकते हैं तो बहुत ज़्यादा लाभ होगा। साथ ही साथ रुद्राष्टकम, भगवान शिव की पूजा रुद्राष्टकम करें, और आदित्य हृदय स्रोत ये सूर्य की पूजा करें, और एक बेहतरीन सा उपल इस उंगली के अंदर पहन लीजिए, जो आपके जीवन में आपको बिल्कुल मानसिक शांति करेगा, आपकी तरक्की उन्नति करेगा, आपको राज्य सरकारी के लोगों से लाभ दिलाएगा, पत्नी संतान का सुख सहयोग दिलाएगा। बस इतना पूजा कीजिए, आपके जीवन में आप सुखी रहें, यही मेरी शुभकामनाएं। नमस्कार।